कंदरापुर थाना अंतर्गत मातनपुर गांव में एक अपराधी अवैध असलहे से गांव के लोगों को दहशत में डालकर उन्हें डरा धमका रहा था, जिसका वीडियो भी गांव के लोगों ने ही बनाकर वायरल किया। वायरल वीडियो जब पुलिस के संज्ञान में आया, पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए सक्रिय हो गई। दो पक्षों में मामूली विवाद पर एक शख्स का असलहा लहराते वीडियो वायरल हुआ, जिसको पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए आरोपी की गिरफ्तार करने के लिए जगह जगह दबिश दे डाल रखी थी, जिसको लेकर थाना कंदरापुर के भवरनाथ चौराहे से गिरफ्तार किया गया। अवैध असलहा भी बरामद हुआ। आरोपी का नाम मोनू यादव बताया जाता है, जो कि ऑटो रिक्शा चलाने का काम किया करता था। दो पक्षों में मामूली विवाद को लेकर आवेश में आकर असलहा लेकर गाँव में घूम रहा था और हवाई फायरिंग भी की, जिससे गाँव में दहशत का माहौल बना हुआ था। देखिए, 18 तारीख को इस महीने की एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें माकनपुर गांव थाना कंदरापुर का है, उसके एक मोनू यादव तमंचा लहराते हुए दिखाए गए थे और इनके द्वारा एक फायर भी किया गया था छोटे मोटे झगड़े में। पुलिस तभी से इनके तलाश में थी और इनके ना होने पर इनके यहाँ घर पर कई बार दबिश भी दी गई थी। ये मोनू यादव गिरफ्तार हुए हैं और जो तमंचा इनके पास था उसे वो बरामद हुआ, कारतूस बरामद हुए हैं। और इनके द्वारा बताया गया कि 2016 से अपने पास तमंचा रखे हुए थे और उसकी साफ़ सफाई भी ये किया करते थे, तो ये सोसाइटी के जो तथाकथित गुंडे होते हैं उस टाइप के ये हैं। इन्हें आज जेल भेजा जा रहा है और अग्रिम कार्रवाई भी इनके खिलाफ की जाएगी। जी, इनका आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन ये टेम्पू चलाते थे, ये बताते हैं टेम्पू चलाते, इनका टेम्पू भी सीज किया गया। घटना का कारण क्या था सर? घटना का कारण कुछ नहीं था। घटना का कारण इन्हें ये पता चला था कि कुछ इनके घरवालों की किसी व्यक्ति ने हल्की फुल्की मार पिटाई की कर दी है, तो ये दादागिरी करते हुए तमंचा लेके गए थे और वहाँ इनके द्वारा फायर भी किया गया था, तमंचा सार्वजनिक रूप से लहराया भी गया था। देखिए, ये अभी तो मेरे संज्ञान में तो नहीं है, लेकिन ये 2016 से यानी 9 साल से तमंचा रखे हुए हैं, तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं उसे दिखाते भी होंगे और दादागिरी भी करते होंगे।